सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप, हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे हम आइसोटोप यानी कि दोस्तों जो हम इसके पहले अणु देख गए यानी कि एटम देख गए, एटम के जो भी एटम होता है काफी सारे आइसोटोप यानी कि उसके जैसे ही होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो आइसोटोप है वो किस तरह के होते हैं, तो ऑफन द सेम एलिमेंट हैज एटम्स दैट हैव द सेम फिजिकली प्रॉपर्टी बट हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, थस अन इलेक्ट्रो एलिमेंट विथ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एन आइसोटोप। दोस्तों ये लंबा चौड़ा है, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। कोई भी एटम होता है उस एटम की फिजिकली प्रॉपर्टी होती है उसको सेम टू सेम उसके जैसी ही होती है। मान लो कि कोई एक एटम है उसकी प्रॉपर्टी एक्स है, तो सेम टू सेम जो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसके न्यूट्रॉन की काउंट कम होते हैं और आइसोटोप होता है उसकी प्रॉपर्टी भी एक्स ही होती है, लेकिन उस एक्स के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसकी काउंट थोड़े से कम होते हैं यानी कि कम होते हैं। अब दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो अपने पास यूरेनियम था या सोडियम था, इसके पहले जो वीडियो था उसके अंदर देखे यूरेनियम था या सोडियम था उसके अंदर जो अपने एटम थे उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने थे उसके काउंट करके हमने देखा था। जैसे कि यूरेनियम की बात करें तो उसके अंदर 143 थे, तो उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे वो न्यूट्रॉन्स होते हैं कम और ज्यादा होते, तो उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी से वो कम ज्यादा रहते हैं। तो हम ऑलरेडी इसका एग्जांपल आगे ही देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ में बात करें तो जो ये एलिमेंट होता है उसका जो सेम एटॉमिक नंबर तो उसका सेम ही होता है लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है, उसको हम यहाँ पे आइसोटोप कहते हैं। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक तरह से बोले तो उसको ये बोला जाता है कि कोई भी एक एटम होता है उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी संख्या कम होती है, और साथ ही साथ वो एटॉमिक नंबर होता है उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको यहाँ पे हम आइसोटोप बोलते हैं। ये उसको एक सिंगल टर्म में इसको बोला जाता है। अब हम बात करें इसको एग्जांपल के तौर पे रियल में देखने की, तो रियल में किस तरह से होते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन होता है उसका मास नंबर यहाँ पे 16 है, लेकिन दोस्तों हम आगे बात करें तो ये 16 नंबर यानी कि 8 ऑक्सीजन 16 यानी कि जो इसका मास नंबर है वो 16 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, वो अपना एटॉमिक नंबर हो गया। दोस्तों अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे सम अदर एटम्स लाइक जैसे कि इसके आइसोटोप कैसे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसके आइसोटोप के बारे में बताऊ दोस्तों, तो देखो ऑक्सीजन 17 मास नंबर हो गया 8, ठीक है दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर देखो, हमने टर्म्स में क्या देखा था, एटॉमिक नंबर सबके सेम है लेकिन उसके मास नंबर होते हैं उसके अंदर जो यहाँ पे संख्या होती है वो चेंज होती रहती है, वो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं अपने समझ लिया, जो देखो एक ऑलरेडी वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या था न्यूट्रॉन्स की मदद से यहाँ पे चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन उसका, ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 16 यानी कि यहाँ पे देखो हो गया, लेकिन सेम टू सेम इसके आइसोटोप देखते हैं, आइसोटोप में क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन थे उसके मास नंबर क्या था उसकी काउंट कम ज्यादा होगी तो यहाँ पे वो 17 हो गए, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम यहाँ पे 18 है, सेम टू सेम यहाँ पे देख लो ये दोनों इसके आइसोटोप हो गए, ऑक्सीजन 16 उसके यहाँ पे जो एटम यानी कि जो उसके आइसोटोप है वो यहाँ पे चेंज हो गए, उसका एटम नंबर सेम रहेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की वजह से यहाँ पे उसका मास नंबर कम ज्यादा होता रहता है, उसको यहाँ पे आइसोटोप बोलते हैं। सेम टू सेम आगे देखे तो आइसोटोप और न्यूट्रॉन उन दोनों की चीज के अंदर बात करते हैं। देखो यहाँ पे देख लो इसका क्या हुआ, अब देखो आइसोटोप है इसका 8 ऑक्सीजन 16 है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे काउंट है वो 8 है। अब बात करें अगर तो क्या देखो 17 ऑक्सीजन 8 उसके अंदर बात करें तो यहाँ पे हो गई 9। अब बात करें यहाँ पे 18 ऑक्सीजन 8 तो उसके अंदर 8, लेकिन ये कैसे काउंट होगा, तो 18 - 8 = 10 तो न्यूट्रॉन का काउंट हो गया 10, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की वजह से यहाँ पे आइसोटोप उसके अलग अलग रहते हैं दोस्तों। सेम टू सेम आपको समझ गए दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदाश्रम हार्दिक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उसको भी पता चले आइसोटोप किसे के दोस्तों।
और आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। और भी कोई वीडियो बनाने तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। हमारा वीडियो यही जल्द से जल्द यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में भी आ जाएगा। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।